बात सर सोशल वेलफेयर बाशारा इस डिसेबिलिटी को देखता है उसके साथ स्पेशल एजुकेशन का भी बड़ा रोल है के उनके पास 49 शायद 50 सेंटर्स हैं पूरे सिंध में। हम चाहते हैं उनकी बहाली होनी चाहिए। सोशल वेलफेयर के पास भी तालीमी इदारे हैं माजूरों के लिए, उनकी भी बहाली नहीं है। बाजाबता बहाली हो तो उसके बाद फिर हम स्किल चाहिए। अगर हमें आप सलाहियतें हमारी महारतें आप नहीं सिखाओगे तो हम माशरे में क्या कंट्रीब्यूट कर पाए। एक तो बराबरी की तालीम नहीं मिलती, बराबरी की तालीम नहीं मिलती तो 2% कोटा नहीं मिलता, हम टेस्ट ही नहीं पास कर पाते, हमें अब नौकरी कहाँ से दोगे। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन कहता है कि भाई टेस्ट पास करके और फिर हम देखेंगे। हमारा बंदा टेस्ट नहीं पास कर सकता जो हमें तालीम ही नहीं मिली, वो मयार ही नहीं मिला। तो ये चीज़ें हमें सलाहियतें हमारी बढ़ाओ, हमारी महारतें बढ़ाओ ताकि हम मुआशरे पे बोझ ना बल्कि हम आपके कंट्रीब्यूटर बन सके। हमारे इदारों ने हमारी माजूरों की जो एन जी ओज हैं किसका नाम लें, सब ने एक मेहनत की है, किसी पे बोझ नहीं है। इन्होंने एक कहते हैं गुड इमेज दिया माजूरी का, वी आर नॉट भिखारी, हमें भिखारी समझा। बात को एक क्रेडिट जरूर जाता है सर, बिकॉज ऑफ मैडम फरियाद दानपुर साहिबा जियालो सलंजार सर, हमने हमारी जो सरकारी नौकरियाँ 2% कोटा सर हमें पूरी हुई है। वाहिद बेनजीराबाद जिला जिसमें माजूर की कोटा पे अमल हुआ है और बिकॉज ऑफ कोशिश हमारी एनडीएफ ने की, मगर आदि फरियाल ने जयाल सलंजार साहब ने हमें एक फुली स्पेस दी कि नहीं कोटा तुम्हारा है तुम्हें मिलेगा। और मेरिट की बुनियाद पे हमारे लोग सर टीचर बने हैं, हमारे लोग हर डिपार्टमेंट में वहाँ भर्ती हुए माजूर में, चपरासी भी बने ठीक है, तालीम नहीं है चपरासी बन सकते हैं, चपरासी एक सर्विस प्रोवाइडर है, सर सर्विस देता है, कोई एप नहीं इसमें। तो ये चीज़ें थी सर, आप अगर वो जो आप जुर्माना रख रहे हो सर पुलिस फोर्स को इन्वॉल्व करो, ये जो स्टेट लोग हैं आपको पैसा नहीं देंगे सर। ये बातें बहुत हम अच्छी चीज करते हैं, शायद हमारी कड़ी बातें लगें, आज की गवर्नमेंट ने पीपल्स पार्टी कल को दूसरी आ जाएगी वो भी इम्प्लीमेंट नहीं करवा पाएगी, मगर क्रेडिट गोज टू पीपल्स पार्टी कि उन्होंने हमें ये स्पेस दी, लोग हमें सुनते तो है ना। थैंक यू सर, आप कुछ कहेंगे?